वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। मीठी दही और हरी चटनी में सजी हुई एक खस्ती करारी पूरी को चटपटे इमली के पानी में डुबोकर उसने जल्दी से खा लिया। जबान पर चाट मसाले की तेजी लगते ही हानिया ने अपनी काजल लगी भूरी आंखें कसकर बंद कर ली और हवा में हाथ झटकते हुए सीसी करने लगी। ओह माय गॉड, दिस इज सो स्पाइसी, जल्दी पानी दो मुझे। तुम भी ना यार, बिल्कुल अजीब हो। गोलगप्पे खाने का शौक भी तुम्हें ही है और फिर मिर्चों के नाम पर शोर भी तुम्हें ही मचाना है। तुम बस ये फीके उबले चने खाओ। ये चाट पापड़ी, चटोरे, चने, चटखारे ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, लुबना ने हंसकर उसे बॉटल पकड़ाते हुए कहा। क्या करूं यार, लंदन में ऐसी पानी पूरी नहीं मिलती ना। अच्छा बाबा, अब ये ड्रामे बंद करो और जल्दी से खाकर खत्म करो, फिर हमें दर्जी के पास भी जाना है, हमारे गरारे रेडी हैं। यार मुझे नहीं पहनना वो लाल पीला शरारा, हानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। शरारा नहीं, गरारा। और क्यों नहीं पहनना मैडम को? गरारा हो या शरारा, सब एक ही बात है। यार द येलो कलर इज सो टैकी, जर्दे की देग लगूंगी मैं उसमें। माना जैनब की शादी है, इट्स हर बिग डे, लेकिन वो दुल्हन है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ऊट पटांग थीम्स रखेगी। हम सब कजन्स का एक जैसे पीले पीले गरारे पहनना क्यों जरूरी है, बताओ मुझे। अपनी कजन की ये शिकायतें सुनकर लुबना ने अपना सर पकड़ लिया। बहन, मायूं के फंक्शन में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तुम क्या चाहती हो, हम जीन्स टी शर्ट पहनकर ढोल डांडिया खेलें? तुम इतने सालों बाद आई हो, जैनब की खुशी की खातिर इतना नहीं कर सकती? बोलो, और जर्दे जैसी लगने में क्या खराबी है? जर्दा तो इतना मीठा मीठा होता है, बिल्कुल तुम्हारी बातों की तरह, लुबना ने प्यार से हानिया के गुलाबी गाल खींचते हुए कहा। मीठे से याद आया, मुझे गन्ने का जूस भी पीना है। देखो वहाँ स्टॉल है, शैल वी प्लीज 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 प्लीज। भावताव करते हुए खरीदारों और दुकानदारों की रौनक से पूरा तारिक रोड चमक रहा था। इस भीड़ और बेहंगम ट्रैफिक से बचते हुए दोनों बहनों ने रोड क्रॉस किया। तुम्हें पता है जैनब के बाद अगला नंबर तुम्हारा है, मैंने बेबी बाजी को खाला से तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करते हुए सुना था, लुबना ने हानिया को छेड़ते हुए कहा। लुबना प्लीज मेरे सामने बेबी बाजी का नाम बिल्कुल मत लेना, वो क्यों बेगानी शादी में रजिया दीवानी बनी फिर रही हैं? हानिया, रजिया दीवानी नहीं, अब्दुल्ला दीवाना होता है। जेंडर के बेसिस पर मुहावरा चेंज नहीं होता, क्यों मुहावरे की टांगे तोड़ रही हो? हाँ हाँ व्हाटएवर, वो किस खुशी में मुझे रजिया बनाकर गुंडों में फंसवाना चाह रही हैं? मैं अम्मी से साफ कह चुकी हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे लिए आसमान से कोई फरिश्ता उतरेगा क्या, लुबना ने तंज करते हुए पूछा। फरिश्ता नहीं, फिलोसोफर, हानिया ने इतरा कर जवाब दिया। एक तो ये फिलोसफी का भूत पता नहीं तुम्हारे सर से कब उतरेगा। तुम लंदन में पली बड़ी, वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी से फिलोसफी में मास्टर्स भी कर लिया, वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर, फिर भी तुम्हें चैन नहीं आया ना? ऐसा क्या है फिलॉसफी में, बताओ मुझे। अरे मेरी बंदरिया, तुम क्या जानो अदरक का स्वाद, हानिया ने लुबना को चिढ़ाते हुए कहा। आई थिंक देयरफॉर आई एम, रेने डेकार्ट का मशहूर जमाना कॉल है ये। हर चीज में ना एक फलसफा छुपा होता है, बस गौर व फिक्र करने वाली नजर चाहिए होती है। अच्छा जी, वो देखो सामने मोची बैठा है, बताओ वहाँ कौन सी फिलॉसफी दिखाई दे रही है तुम्हें, लुबना ने हानिया को चैलेंज करते हुए पूछा। अरे असल फिलॉसफी तो सारी इन जूतों में ही छुपी होती है, जिसे दो पड़ जाए ना उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। इस हाजिर जवाबी पर दोनों बहनें हंसने लगीं। वाकई हानिया, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। चलते चलते हानिया की नजर चूड़ियों की एक दुकान पर पड़ी। शीशे के दरवाजे पर लगी रंग बिरंगी चूड़ियों ने हानिया के कदम रोक लिए। वाओ लुबना, देखो कितनी प्यारी चूड़ियां हैं, चलो ना लेते हैं। हाँ लेनी तो है मायू में पहनने के लिए,
तुम एक काम करो, अंदर जाकर सेट पसंद कर लो। मैं सामने दर्जी से कपड़े पिक कर लूँ फटाफट, वरना असर के लिए दुकान बंद हो जाएगी। फिर यहीं मिलते हैं, ठीक है? और मैं आयशा को कॉल करके कह देती हूँ कि वो पार्लर से वापसी में सना और नादिया को लेकर हमें यहीं से पिक कर ले, फिर डिनर पर चलेंगे। दुकान में दाखिल होते ही हानिया को ऐसा लगा जैसे कौशिक अज़ा ने उसे अपनी आगोश में समेट लिया हो। चूड़ियों की चमक और खनक ने उस पर एक सहर सा तारी कर दिया था। दुकान में रंग तो बहुत थे लेकिन कोई दुकानदार नहीं था। एक्सक्यूज मी, कोई है? हानिया की आवाज सुनकर स्टोर कैबिन से एक नौजवान बाहर आया। नेवी रंग के कुर्ते में मलबूस, कोहनियों तक अपनी आस्तीनें चढ़ाए ये शख्स बहुत खुद एतमादी के साथ काउंटर के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी शख्सियत निहायत पुरवकार मालूम हो रही थी। ऊंचा कद, मजबूत जिसामत, खड़ी नाक, गहरी आंखें और क्लीन शेवन चेहरा। लम्हे भर के लिए उसे देखकर हानिया मसहूर सी रह गई। अस्सलामु अलैकुम मैडम, बख़ैर रागले, उसने निहायत गर्म जोशी से इस्तकबाल करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, बख़ैर रागले, व्हाट्स दैट? ओ आई एम सॉरी, यू प्रोबेबली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग आइदर। बख़ैर रागले का क्या मतलब होता है? हानिया ने तजस्सुस से पूछा। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन टू आस्क, नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बख़ैर रागले इज अ ग्रीटिंग इन पश्तो। लगता है आप यहाँ की नहीं हैं। हानिया को इस जवाब की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। जी, मैं पाकिस्तान से बाहर रहती हूँ। आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं? हानिया ने हैरत से पूछा। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव रिसेंटली कम्प्लीटेड माई एमफिल इन फिलोसफी। अब इंशाल्लाह डॉक्टरेट की तैयारी है। आप फिलोसफी पढ़कर चूड़ियाँ क्यों बेच रहे हैं? ये दुकान दरअसल मेरी नहीं है, मेरे खालू की है। आजकल उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए उनका हाथ बटा रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपनी सोच का दायरा थोड़ा वसी करें तो आपको इस बात का एहसास होगा कि हर चीज में एक फिलॉसफी छुपी है। बस गौर व फिक्र करने वाली नज़र चाहिए। अब इन चूड़ियों की ही मिसाल ले लें। इनकी तरह हमारी जिंदगी भी एक दायरे में घूमती है। एक कहानी जहाँ ख़त्म होती है, दूसरी कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। ये सारी बातें सुनकर हानिया को ऐसा लगा जैसे वो एक आईने के सामने खड़ी अपना ही अक्स देख रही है। उसकी हैरत शायद उसके मासूम चेहरे पर झलक रही थी। हानिया को यूं लाजवाब पाकर नौजवान ने पूछा, जी मैडम, तो बताएं क्या दिखाऊं आपको? मीना चूड़ी, दुल्हन चूड़ी, रेशमी चूड़ी, मखमली चूड़ी, डिस्को चूड़ी, कट दाना चूड़ी, हमारे पास सारी वैरायटी है। हानिया ने तो कभी इतनी सारी चूड़ियों के नाम भी नहीं सुने थे। मेरी कजन की माइयों हैं, आप मशवरा दें कौन सी चूड़ी लेनी चाहिए मुझे। नौजवान ने एक नज़र में हानिया की कलाई को देखकर कुछ हिसाब लगाया, फिर काउंटर का शीशा हटाया, बनारसी चूड़ियों का एक सेट उठाया और हानिया को दिखाया, जो बिल्कुल गेंदे के गजरों जैसा था। ये सेट हमारा बेस्ट सेलर है, मैं इसमें हरे रंग के मोतियों के कंगन लगा देता हूँ अगर आपको पसंद आ जाए तो। आप ट्राई कर लें, ये 2 नंबर साइज है, आपको आराम से आ जाएगा। वाकई बहुत खूबसूरत हैं ये चूड़ियाँ, हानिया ने सेट को निहारते हुए कहा। हाउ मच आर दे फॉर? ये सेट सिर्फ 800 का है। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, आप मुनासिब दाम कर दें। मैडम, आपको पूरी मार्केट में इससे अच्छी क्वालिटी की चूड़ियाँ नहीं मिलेंगी, मेरी गारंटी है इनकी चमक भी नहीं उतरेगी। नहीं, कुछ तो डिस्काउंट कर दें, कस्टमर बनाने वाली बात करें ना। अच्छा चलें, 800 का सेट मैं आपको 600 में लगा देता हूँ, डन? ये ठीक है, वैसे भी मैं आपके मुल्क में मेहमान हूँ, हानिया ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर नौजवान कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो आप ये सेट फ्री में ले जाएं, मेरी तरफ से तोहफा समझकर। ये सुनकर हानिया बहुत हैरान हुई और शर्मिंदा होकर बोली, अरे नहीं नहीं, आई कांट टेक दिस फॉर फ्री, बट आई इंसिस्ट, अगर आप हमारी मेहमान हैं तो हमें मेहमान नवाजी का मौका भी तो दें। सोच लीजिए, आधी अंग्रेज हूँ मैं, ले भी लूंगी, हानिया ने ताकीद करते हुए कहा। और मैं पूरा पाकिस्तानी हूँ मैडम, दे भी दूंगा, नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आधे घंटे बाद जब लुबना सारी कजन्स के साथ हानिया को लेने आई तो वो उन सबको लेकर चूड़ियों की दुकान में गई। सब लड़कियों को देखकर वो नौजवान थोड़ा परेशान हुआ।
मेरी कजिन्स को ये चूड़ियाँ बहुत पसंद आई हैं, इन्हें भी लेनी है। जी जी जरूर, क्यों नहीं। देखें, आपने मुझे इतना अच्छा डिस्काउंट दिया, मेरी कजिन्स को भी उसी रेट पर दे दें। देखें, 4 कस्टमर्स हैं, 1000 रुपये का सेट 850 में लगा दें, ठीक है। 850? लेकिन मैंने तो आपको, प्लीज़, आपने कस्टमर बनाया है ना, तो आई एम श्योर आप इतनी गुंजाइश तो निकाल ही सकते हैं, है ना। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। नौजवान ने इसके आगे कोई बहस नहीं की, वो बस मुस्कुराया और सब लड़कियों को उनके पसंद के सेट बनाकर पैक कर दिए और वो सब खुशी खुशी अपनी चूड़ियाँ लेकर चली गईं। 2 हफ्ते बाद शादी अटेंड करके हानिया दोबारा लंदन आ गई। हानिया, आई एम सो हैप्पी यू आर बैक टू लंदन। हमने तुम्हें बहुत मिस किया। हाउ वाज योर कजिन्स वेडिंग? हानिया की दोस्त और यूनिवर्सिटी कुलीग ने दिलचस्पी से पूछा। एंड योर न्यू लुक, माशा अल्लाह, माय माय, यू लुक सो गॉर्जियस इन दिस शलवार कमीज। और ये चूड़ियां तो बहुत प्यारी हैं, जच रही हैं तुम्हारे हाथों में। ओह थैंक यू सबा, आई मिस यू ऑल टू। ब्रेक में सारी पिक्चर्स दिखाऊंगी, अभी मुझे फर्स्ट ईयर की क्लास लेने जाना है। प्लीज प्रे इट गोज वेल। मैंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट तो काफी क्लासेस ली हैं, लेकिन एज अ लेक्चरर दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट क्लास। सबा और हानिया अभी बातें ही कर रही थीं कि अचानक स्टाफ रूम का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। जब हानिया ने उसे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये इत्तेफाक था या कुदरत का कोई इशारा? कहानी जहां खत्म हुई थी वहीं से शायद दोबारा शुरू होने के लिए परतोल रही थी। अरे हानिया, आओ मैं तुम्हारा तारुफ एक बहुत ही ब्रिलियंट फिलोसोफर से करवाती हूँ। ये पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान से आए हैं फॉर हिज PhD और इन्होंने भी हमें तुम्हारी तरह एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर लिया है। प्लीज मीट प्रोफेसर हमदान खान अफरीदी। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।